आते हैं मायापुर थाना के पास से। और यहाँ आने से पहले क्या क्या समस्याएं थी आपको? मेरे कमर और पैर में दर्द था। और कोई दिक्कत थी? नहीं और कोई दिक्कत नहीं था। इनको समझ में आया क्या समस्या थी इनको? कमर और पैर। और ये कमर और पैर की जो दिक्कत थी कितने समय से था आपको? मैं तो था गाधी दिन से, लेकिन मिश्रा के जाने के बाद 2 साल तक मैं एकदम पलंग पर रह गई। वो नाना जाना निकलना उकलना एकदम बंद कर दी। इसी में मैं एकदम जाम हो गई और एकदम ऐसे टेढ़ी हो गई थी। शरीर कैसा हो गया था? टेढ़ा ऐसे हो गई थी मैं, खड़ा नहीं हो पाती थी 5 मिनट भी। और ये कितने समय से था आपको? ये 2 साल से हो रहा था मेरे को। जैसे मतलब अंकल जी का डेट हो गया था उस वजह से मतलब क्या तकलीफ होती? मैं 2 साल तक एकदम कुछ तकलीफ नहीं था मेरे को, पता नहीं चला कि मेरे साथ का वो। मैं एकदम जाम हो गई, घर में बैठ गई, मैं निकल ही नहीं पाती थी घर से। तो इसके बाद फिर यहाँ मेरा लड़का मेरे को जबरदस्ती लाया, मैं नहीं आ रही थी, 90 में उठा के लिया चल। और यहाँ आई तो मैं फिर सीढ़ी के पास अटक गई, नहीं जाऊँगी मैं, नहीं चढ़ पाऊंगी मैं। तीनों दोनों गई और मेरे को उठा करके ले आई, चलिए आ गई। इसके बाद वो भी एडमिशन ले लिया मेरे कारण, और वो भी 10 दिन आया, नौकरी करता क्षेत्रीय अधिकारी है पर्यटन विभाग में, लेकिन फिर भी वो मेरे साथ 10 दिन तक लगातार आया। और इसके बाद वो अपना छोड़ के नौकरी में लग गया, छुट्टी लिया 10 दिन। और अभी आपकी जो सारी तकलीफें आंटी कैसी है आपकी तकलीफें? आप मेरे को 60% आराम है। 60% आराम है मतलब 60% ठीक हो गई आंटी। ये बस जोरदार ताली। अभी मतलब त्योहार है और यहाँ का वातावरण से मेरे जैसे मैं वो हो रही थी, डिप्रेशन में जा रही थी। यहाँ आने के बाद मेरे को बहुत कुछ बदल गया, कपड़े पहनने की इच्छा जागृत हुई, अच्छा निकलने की, जब निकलने लगे तो ये इच्छा हुआ कि जा रहे हैं थोड़ा अच्छे से जाए, अच्छे पहन के जाए, ना तो जैसे है वैसे जो बहू में पढ़ा दिया ऐसे ही रहती थी मैं। अरे अब तो खा ही रही हूँ, रोज सोचती हूँ कि आज ये पहन के जाऊँ कल वो पहन के जाऊँ। यानी कि सरा जम आने के बाद इनका मन और दिमाग दोनों बहुत अच्छे हो गए हैं, शरीर भी साथ में बहुत अच्छा हो गया है। 2 साल में आप बताइए कितना पैसा लगा चुके थे? अरे तो हमारे बच्चे लोग खर्च करते हैं, मेरे को नहीं मालूम, लेकिन लगा ही होगा। हाँ आराम से सब शुद्ध होगा, आशाटी मेरे डॉक्टर। यानी लाखों खर्च कर दिए उसे इनको कोई फायदा नहीं हो पाया था। और सरोजिनी ने कितना किया है आंटी? अपना दिल दे दिए तुम लोग को, पैसा से क्या लेना देना। आंटी सरोजिनी को बस दिल दिया है, पैसा नहीं दिए, पैसा देना उसमें पैसा देंगी। अभी दिल दी है, बाकी बाद में पैसा देंगे। आपके हिसाब से कैसे हैं दोनों? बहुत अच्छे हैं भाई, उन्हीं लोग के कारण तो मैं आज इतना बदल गया, मैं डिप्रेशन से निकल गई। सभी लोग घर में भी बोलते हैं कि मम्मी में बहुत फर्क आ गया। मेरी बेटी आई तो बोली कि मैं चाहे कुछ हो जाए भैया लोग इनको भेजो, सबको लगता है कि मैं मेरे बदलाव आया। और जैसे ये आपको अच्छा लग रहा है सराजम, तो सराजम की मशीन आप क्यों लेके जाना चाहते हैं आंटी अपने लिए? मैं ना आ पाऊँ तो घर में कर सकूँ, है मशीन भी बहुत अच्छा, लेकिन अब वही है लेने के इतना पैसे है, दस इतना आने वाला है, इतना आएगा, ये सब सोच समझ के चल रहा है, लूंगी पक्का। चलिए आंटी जी के लिए जोड़ना था।